उन्होंने एक प्रयोग किया हेनरी और फैराडे ने, ठीक है, उस प्रयोग को हम लोग यहाँ करके देखते हैं। उन्होंने चालक तार की एक कुंडली बनाई, समझ रही हैं केरुन, जैसे यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, नज़दीक ला के दिखाइए। चालक तार की कुंडली बनाई और ये चालक तार तांबे का है, इसके चारों ओर लेप लगा हुआ है और इसके इस चालक तार के दोनों सिरे इस धारा मापी से मैंने जोड़ रखे हैं, ठीक है, देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। अब मैं ये कुंडली जो है चालक तार की, इसमें से इस चुंबक को आगे पीछे करता हूँ, देखिए यहाँ इसकी नीडल में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है सर। ये सुई डोल रही है, सुई डोल रही है ना। बच्चों आपने देखा कि चालक तार की एक कुंडली, इसमें जब चुंबक को हम लोग आगे पीछे करते हैं तो इस चालक तार में से धारा बहने लगती है, इसी कारण से इस धारा मापी में विचलन हमको दिखता है। जितना ज़्यादा कुंडलियों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा इसमें धारा बहेगी इस चालक तार में, है ना। और इस चुंबक भी जितना अधिक शक्तिशाली होगा इसमें विचलन उतना ही ज़्यादा होगा, माने धारा जा सकते हैं कि यदि कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है, कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है। चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली में क्या होता है, विद्युत धारा बहने लगती है। चुंबकीय प्रेरण है ना, ये विद्युत किससे हो रहा है, उत्पन्न हो रही है यहाँ पर चुंबक से, है ना, चुंबक के अंदर बाहर करने से इसमें विद्युत उत्पन्न हो रही है और इसका पता हमें चल रहा है। हालांकि ये विद्युत बहुत कम मात्रा में है लेकिन उत्पन्न हो रही है, है ना। इसके आधार पर आगे बहुत सारे जैसे कि डायनमो हो गया,